न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हमारी सरकार की है प्रतिबद्धता। मार्च से शुरू हुआ सिलसिला सभी के घर वापसी तक रहेगा जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गुरुवार को भी हजारों की संख्या में मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सोशल डिस्टेंस रखते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम की बसों को उनके गंतव्य को किया गया रवाना। दिया सीएम योगी को धन्यवाद। प्रॉपर्टी डीलर छोटू प्रजापति को गोली मारकर घायल करने वाले शातिर अभियुक्त सुधांशु द्विवेदी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। साथ ही अभियुक्त राकेश यादव अभी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई निगरानी समिति की बैठक, कहा कोरोना मरीजों की रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की त्रुटि क्षम नहीं। जिलाधिकारी व एसएसपी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने कोविड 19 ब्लॉक तथा मेडिकल कॉलेज के पीछे बाउंड्री वाल तोड़कर चल रहे अवैध रास्ते को बंद कराने के बाद क्या निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उद्योग शुरू करने के दिए निर्देश, जिससे मिल सके लोगों को रोजगार। रेलवे स्टेशन पर खड़ी रोडवेज की बसों को कराया गया सैनिटाइज। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण से हो सकेगा बचाव। डीएम और एसएसपी पहुंचे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। एम्बुलेंस के किराए निर्धारित करने के निर्देश के साथ पुलिस कर्मियों को दिया मास्क ग्लव्स और सैनिटाइजर। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने किया जिलाधिकारी से मुलाकात, बंद दुकानों को खोलने की मांगे अनुमति। मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल ने कोरोना योद्धा के रूप में डीएम और एसएसपी को किया सम्मानित, कहा कोरोना के बचाव में लगे सभी वॉरियर्स को दिया जाएगा सम्मान। गुरुवार की सुबह तेज हवाओं के साथ आई आंधी और हल्की बारिश में गिरा पेड़, क्षतिग्रस्त हुई कई गाड़ियां। और गुरुवार को भी देहात और महानगर में दिखी चहल पहल, निर्धारित समय से पहले घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने एक एक मीटर की दूरी में बैठा कर दी सजा। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, बेवजह ना निकलें घरों से, किसी भी सेवा के लिए डायल करें 112।